अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। राजनेताओं के प्रति दीवानगी में लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा ही शख्स नजर आ रहा है जो खुद को राहुल गांधी का सबसे बड़ा प्रशंसक बताता है, जिसका नाम संजय रोशन बागड़े है। दरअसल संजय रोशन बागड़े महाराष्ट्र के नागपुर जिले के गांव कापड़खेड़ा का रहने वाला है। हाथ में तिरंगा थामे और राहुल गांधी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने संजय इन दिनों नागपुर से दिल्ली तक की पैदल यात्रा पर है। लगभग 1100 किलोमीटर की यह दूरी संजय पैदल तय करके दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी को विधानसभा चुनाव 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने की बधाई देना चाहता है। संजय रोशन ने बताया कि उसने राहुल गांधी को 3 राज्यों की जीत की बधाई देने के साथ ही यह भी संकल्प ले रखा है कि जब तक राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, संजय के अनुसार उसका राहुल गांधी को पीएम बने देखना चाहता है। संजय ने 3 जनवरी 2019 को अपने गांव से दिल्ली के लिए पैदल यात्रा शुरू की थी। फिलहाल मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक पहुंच गया है, मतलब आधे से थोड़ी ज़्यादा यात्रा तय कर ली है। संजय ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 से उनकी मुराद मांग थी कि अगर 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वह पैदल यात्रा करके राहुल गांधी को शुभकामना देंगे।